मंडुकासन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडवेज फिटनेस। आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताने जा रही हूँ जो डायबिटीज पेशेंट के लिए है और पेट से जुड़ी हर बीमारी को दूर करता है। उस आसन का नाम है मंडुकासन, जो वेट लॉस भी करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है और हमारे पैनक्रिया यानी कि इंसुलिन लेवल को भी बैलेंस रखता है। तो अब देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को, मंडुकासन को, किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है और वज्रासन, इस पोजीशन को हम वज्रासन में करते हैं। देखेंगे किस तरह से अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाना है, अंगूठों को आपस में मिला देना है या आपका राइट अंगूठा लेफ्ट अंगूठे के ऊपर रख देना है और फिर कमर को सीधा रखेंगे। अपने दोनों हाथ सबसे पहले जांघों पर, मतलब कि आपके थाइस पर या नी के पास, इस तरह से रखेंगे और फिर अपने दोनों हाथ इस तरह से अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद और फिर आपकी जो नेवल है, नेवल के बिल्कुल आसपास, नेवल के ऊपर नहीं रखना है, नेवल के बिल्कुल आसपास इस तरह से हाथों को प्लेस करना है, कोहनियाँ उठी हुई, और धीरे धीरे पहले श्वास को अंदर भरना है और फिर छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है, कोहनियों को ऊपर की ओर उठाते हुए इस आसन में मेंटेन रहना है, मतलब होल्ड करके रखना है। ध्यान रखेंगे कि आपका हाथ, आपका जो मुट्ठी बनाई है आपने, वो वहां से बिल्कुल भी ना हिले। कुछ देर रुकने के बाद आप धीरे से वापस आएंगे और फिर पहली स्थिति में आ जाएंगे। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं इस आसन को करते हुए, जैसे कि आप अंगूठा बस इस तरह से रखा, यहाँ पे रख दिया कहीं पर भी, मतलब वो नेवल के ऊपर भी रख देते हैं कभी कभार और उनको पता नहीं होता किस एरिया पर रखना है, वो कभी कभार साइड पर रखकर इस तरह से नीचे आ जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ऊपर रखकर नीचे आ जाते हैं और श्वास का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, किसी की गर्दन नीचे होती है, कभी कभार गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कोहनियाँ नीचे होती हैं। तो ये इस बातों का आपको ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल अच्छे से बनाकर अपने अंगूठे को प्लेस करके कोहनियों को ऊपर और गर्दन सामने या फिर इस तरह से सीधी रहनी चाहिए, ये आपका पोस्चर होगा। और ध्यान दें कि कई लोग इस तरह से यहीं पर रुक जाते हैं। दबाव, आपको दबाव, प्रेशर फील करना है अपने स्टमक की ओर। आप जब यहाँ पर प्रेशर फील करेंगे, यहाँ का मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। जब आप इस आसन को ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपको स्वेटिंग होने लगती है, मतलब पसीना आने लगता है और इससे आपका वेट लॉस भी होता है, आपका डायबिटीज़ भी कम होता है और आपकी जो इंटरनली पेट की बीमारियां हैं वो भी काफ़ी हद तक दूर होती है। और आपको ध्यान रखना है, जिनको नी पेन है, बहुत सीवियर पेन है, वो इस वज्रासन में, इस तरह के आसन में बिल्कुल भी ना बैठे, वो पैरों को सीधा ही रखें और उसी तरीके से आसन को परफॉर्म करें, तो उससे भी फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और जिनको नी पेन नहीं है उनके लिए ये आसन काफ़ी अच्छा है, उनकी नीज को काफ़ी स्ट्रांगनेस, काफ़ी मसल्स आपकी स्ट्रांग होगी नी की। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आसन, ये जो मंडूक आसन मैंने आपको आज बताया, वो आप डेली रूटीन में करेंगे। जिनको डायबिटीज़ है और जिनको पेट की बीमारियाँ हैं, कुछ भी दिक्कत है, इस आसन को अपना कर अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद।